कोरोना नूं लै के देश समेत पूरी दुनिया दे विच एक चर्चा चल रही है कि प्लाज्मा टैक्नीक अप्लाई की जाए उहदे नाल ठीक हो सकते हैं। प्लाज्मा मतलब जिहड़ा बंदा कोरोना नाल ठीक हो गया है उहदा प्लाज्मा कढ के बीमार बंदे नूं पाए जिस तरह कि वह भी ठीक हो सके। आखिर यह प्लाज्मा है क्या तो किस तरह टैक्नीक होंदी है सारी गलबात करांगे। मेरे नाल इस वक्त डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू मौजूद ने जिहड़े कि एक्सपर्ट ने मैडिकल एक्सपर्ट ने नाल ही सीनियर कंसल्टेंट भी ने। सग्गू साहब सब तो पहले दर्शकों को सिंपल भाषा दस ये प्लाज्मा होंदा की है कादे च होंदा तो किस तरह इनू दूजे च पाया जाता पेशेंट के बीच। ये वास्ते पहला अगर आप समझिए कि अपना ब्लड है वो किन्ने कंपोनेंट होंगे है। ब्लड के बेसिकली अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो तीन कंपोनेंट होंगे है। सब तो थले जो 45% वो सैल्स होंगे जिन्हों RBCs कहते हैं, फिर लैस दैन 1% WBCs का एक लेयर आ जाती है वाइट लेयर, और जी सब तो उपर की लेयर होंगी है तकरीबन 55% जो है येलो कलर का उन्होंने प्लाज्मा कहा जाता है। वह प्लाज्मा होंदा है उसके पानी होंदा है उसके क्लोटिंग फैक्टर्स होंदे हैं उसके प्रोटीन कंपोनेंट्स होंदे हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज से बाकी सारी चीज़ें कहते हैं। वह प्लाज्मा जो है बड़ा इफेक्टिव होंदा है कई ट्रीटमेंट नू लड़न वास्ते। ये अज ही नहीं बहुत चेर पहला तो आप यूज़ करते हैं प्लाज्मा थेरेपी में, जो सब तो पहला कई बार कैंसर यूज़ किया, बहुत तरह का इनफेक्शन यूज़ किया, ठीक है। तो जिमें H1N1 आया 2008-2009 आया उदों भी तकरीबन इस थेरेपी यूज़ किया गया, सार्स वेले भी यूज़ किया गया, मर्स वेले भी यूज़ किया गया। हूँ जोड़ा है COVID-19 साढ़े को एक डिजीज़ आया जरा वो तकरीबन 2-3 महीने पुराना डिजीज़ है, साढ़े को कोई ज़्यादा डेटा नहीं है, कोई वह एबसोल्यूट ट्रीटमेंट साढ़े को अवेलेबल नहीं है। तो जब तक वो वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन बनने से तकरीबन 9 महीने तो लैके 12 महीने तक लगने, बहुत लंबा टाइम है, तो जब तक इन्ना टाइम अपने को एटलीस्ट अपने कोई चीज़ यहोजी होनी चाहिए है जिदे नाल आपां इसका ट्रीटमेंट कुछ कर चुकीए। तो एक जिहड़ा है प्लाज्मा जिहड़ी थेरेपी आई है वह है कि एक पॉसीबल ट्रीटमेंट है, अप्रूव नहीं हले है। चाइना के उन्होंने ट्राई किया, सब तो पहला चाइना के स्टार्ट किया, तकरीबन 5 पेशेंट की स्टडी सी उन्होंने। उन्होंने की किया कि ये बेसिकली की करते हैं कि कोई पेशेंट जिहड़ा है जिन्हों कोरोना डिजीज होया है तो वह रिकवर हो गया। रिकवर वो क्यों होंगे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होंगी है। अगर आप इम्यूनिटी की गल करते हैं तो एक एक्टिव इम्यूनिटी होंगी है, एक पैसिव इम्यूनिटी होंगी है। एक्टिव का मतलब यह है कि तुम्हें एंटीजन तुहाडे विच पाया उसके अगेंस्ट तुम्हें एंटीबॉडीज बन जाते हैं, पर उन्होंने टाइम लगता है बनने। जिमें बहुत सारे जो यदि वैक्सीन वो बना रहे हैं COVID-19 की बना रहे हैं, वो भी ऐसे बेस्ते है कि कोई या तो इनएक्टिव वायरस में पाता या वह कोई कंपोनेंट में पाता तो वो अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज जो बॉडी बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लगता है बनने, तो उन्होंने डिवेलप करने वैक्सीन में भी टाइम लगता है। एक होंगी है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव का मतलब है कि जी एंटीबॉडीज जो है असी बाहरों एंटीबॉडी रेडीमेड जो एंटीबॉडीज है वो पेशेंट्स पा दईए, ठीक है। वो नैचुरल भी हो सकते हैं जिमें बच्चे दे विच माँ तो जो यूटरस होंगे उदों जाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल दे विच आपां कई बार घोड़े तो हाइपर इम्यून बना के प्लाज्मा बना के वो देईदा है, और या फिर कन्वलेसेंट प्लाज्मा होंगे। कन्वलेसेंट प्लाज्मा का मतलब है कि जो मरीज ठीक हो गया और ठीक होने से उन्हें तकरीबन 3-4 हफ्ते लगे है, तो वह 3-4 हफ्ते के नाल फाइट करन तो बाद इहोजे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जिहड़े एंटीबॉडीज वायरस नूं मारदे है। तो कोई पेशेंट अगर ठीक होया तो आप अगर वह प्लाज्मा लै लीए वो एंटीबॉडीज़ लै लीए और उ एंटीबॉडीज़ को आप किसी होर पेशेंट के यूज़ कर लीए ताकि भी, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज़ वायरस स्पैसीफिक है COVID-19 के जोड़े है वो स्पैसीफिक है, अगर सेम एंटीबॉडीज़ आप यूज़ करा तो हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट कर सकी, आप कोरोना COVID-19 लड़ सकी। चाइना के भी होया, हम न्यूयॉर्क के भी यह थेरेपी चल रही है, न्यूयॉर्क के भी कर रहे। वैसे कोई भी ट्रीटमेंट देने तो पहला वो अप्रूवल लेना चाहिए, क्लीनिकल ट्रायल्स वो होंगे है, वो एफिकेसी इफेक्टिविटी तो वो सेफ्टी देखी जाती है, पर वो लंबा टाइम है, वो होंगे नॉर्मल कंडीशन के आप कोई मेडिसिन आप दें जो आप क्लीनिकल ट्रायल्स हो जाए कंप्लीटली अप्रूव हो जाए, पर एक क्राइसिस टाइम है। क्राइसिस टाइम के आप कि जी चीज़ भी मिल जाए अपन उ वधिया है। तो हूँ अगर ये प्लाज्मा इफेक्टिव हैगा, चाइना वाले ने कहा, न्यूयॉर्क वाले ने कहा, तो हूँ अपना जो ICMR बॉडी है, ICMR बॉडी ने भी परमिशन देती है केरला गवर्नमेंट को, उत्थे जी उन्होंने टास्क फोर्स है उन्होंने यह परमिशन दे दी गई है कि वह यह प्लाज्मा से रिसर्च कर सकते हैं, वो इफेक्टिविटी और सेफ्टी देख सकते हैं, तो उस तो बाद अप्रूवल तो बाद यह ट्रीटमेंट आप स्टार्ट जो है कर सकते हैं। ये PGI तो भी PGI के कुछ रिसर्च है, वो भी किसी ने इनवॉल्व होकर ये उत्ते जो है रिसर्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल न कि आप भी इंडिया के प्लाज्मा देना शुरू करा, लेकिन यह प्लाज्मा उन्हों का प्लाज्मा पुल्ड आउट करते हैं जोड़े रिकवर हो चुके हैं, जिंकी गुड इम्यूनिटी हैगी है, उन्होंने इम्यूनिटी बहुत वधिया सी, ऐसे वास्ते रिकवर हो गए, उन्हों का जो एंटीबॉडीज़ है वह लै करके आप सिक पेशेंट जोड़े हले, क्योंकि हले
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 45% ਦਾ ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਨੋਗਲੋਬਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਜੀ ਏ, ਆਈ ਜੀ ਐਮ ਔਰ ਆਈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਜੀ ਐਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 850 ml ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਤੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਲੇਟਲੇਟ ਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਮਟਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਉਨੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਦੇਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।